नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता, समावेशी विकास के प्रवर्तक, हमारे प्रेरणा स्रोत महान देशभक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज इस अवसर पर हम अपने ऐतिहासिक कृषि बिल 2020 पारित होने के साथ हम कह सकते हैं गौरव के साथ कि भारत ने आत्मनिर्भर कृषि की मजबूत नींव रखी है। आज देश में कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे किसान भाइयों को, देश की जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयास किया जा रहा है। कृषि बिल 2020 पूरी तरह से किसान हितैषी है और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं अपने किसान को सशक्त बनाने के लिए इस बिल के पारित होने पर किसानों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस बिल से जहाँ किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, वहीं हमारे किसान भाइयों को अपने आय दुगना करने में के प्रयासों को बल मिलेगा, उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। इस बिल के पास होने से हमारे किसानों की पहुँच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। अन्नदाताओं की सेवा में लगातार तत्पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि MSP की व्यवस्था समाप्त नहीं की जाएगी तथा सरकारी खरीद जारी रहेगी। ऐसी स्थिति में जो सदन में राज्यसभा के दौरे बिल पारित होने के साथ कांग्रेस ने जिस तरह से गुंडई किया, गुंडागर्दी करने के सांसदों ने एक प्रयास किया, वह बेहद ही शर्मनाक था। और जो हमारे ही बिहार के अगर कहें हरिवंश जी को जिस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की गई, हम उसकी निंदा करते हैं और यह दर्शाता है कि कांग्रेस को प्रजातंत्र और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।